नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फिल्म दबंग की शूटिंग से प्रसिद्ध थाना बजरिया को कानपुर में ही नहीं पूरे भारत की जनता को प्रसिद्ध थाना बजरिया के बारे में पता है। इस थाने के थानेदार चुलबुल पांडे सलमान खान तो नहीं है बल्कि राम मूरत यादव है, जो आए दिन लगातार गुड वर्क कर कई घटनाओं का खुलासा कर चुके हैं, जिन खुलासे के क्रम में इस घटना का जिक्र जो कि आज हमारा चैनल फिर दिखा रहा है कि लूट के मोबाइल समेत 8 लुटेरे गिरफ्तार, जिनको राममूर्ति यादव ने अपनी चुस्ती और फुर्ती से धर दबोचा, जिसका खुलासा कानपुर की पुलिस लाइन में SP पश्चिम व CO सीसा मोह के द्वारा किया गया। प्रेसवार्ता के दौरान बताया, कुछ लुटेरे जो कि काफी हल्की उम्र के हैं, जो अपने मोटर वाहन से लूट करने के बाद जोरदार रफ्तार में अपनी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। यह सातिर लुटेरे काफी सातिर खिलाड़ी हैं। क्षेत्र के लोग काफी दिनों से परेशान थे। बजरिया थाना क्षेत्र पुलिस टीम व सर्विलांस की टीम की मदद से 15 फरवरी 2021 को बजरिया के अंतर्गत पुराना स्लॉटर हाउस के पास से लूट के 12 मोबाइल फोन अथवा घटना को वारदात वाली 3 मोटरसाइकिल समेत 8 आरोपी को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने अपना नाम लकी वर्मा, विवेक पासवान, मोहम्मद सिराज, प्रशांत गौतम, अंकुर सोनकर, तुषार कन्नौजिया, हर्ष मिश्रा, अंकुर गुप्ता सभी गैंग के लुटेरों का आपराधिक इतिहास के मामले में अन्य स्थानों से भी जानकारी की जा रही है। लूट का खुलासा करने वालों में प्रभारी निरीक्षक राम मूरत यादव, उप निरीक्षक पुनीत तोमर, थाना बजरिया उप निरीक्षक अवधेश कुमार वर्मा, थाना बजरिया उप निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा, थाना बजरिया उप निरीक्षक खालिद खान, थाना बजरिया उप निरीक्षक राम मोहन सर्वलान सेल जो कि पुलिस अधीक्षक पश्चिम आदि पुलिस कर्मी मौजूद रहे। पूछताछ में ये सामने आया है कि इन्होंने न केवल कानपुर के अलग अलग थाने बल्कि कानपुर के आसपास के जो जनपद हैं वहाँ से ये लोग मोबाइल स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देते थे और जिन बाइक्स का ये यूज़ करते थे 3 बाइक उनको भी इनसे बरामद कर लिया गया है और इनके 3 साथी और हैं जो फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी शेष। सर, जो व्हीकल्स यूज़ करते थे वो क्या चोरी के थे क्या है? इनको अभी व्हीकल को कन्फर्म किया जा रहा है RTO से कि ये चोरी के हैं या इनके इनके या इनके किसी परिचित पहले भी इस तरह ही है। इसमें 8 लड़के पकड़े गए हैं जिसमें से 6 स्नेचर हैं और बाकी 2 इन मोबाइल को खरीद कर तो उस तरह का काम करते थे। 3 नंबर बताया गया। इंडियन प्राइम न्यूज़ के लिए कानपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट।